नहीं, दी गई होगी, निश्चित रूप से दी गई होगी। मेरा अगर दी गई, कुछ अगर दी गई होगी, कुछ भूल हो गई होगी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये गलती बड़े देश के 13 करोड़ निवेशकों पे कितना भारी पड़ रहा है जो 8 महीने आगे गया। अगर वो गलती हुई, अगर ये गलती है, गलती है या साजिश, गलती है या साजिश, शुभम आप है प्रमाणित नहीं करता कि सहारा सेवी के मामले में इनके भी संलिप्तता थी और ये डेट बढ़ा दी गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको प्रभाव में ला दिया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा प्रबंधक के साथ मिल गए हो। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी देखिए, ऐसा है कि नहीं, ऐसी प्रतिक्रिया मेरी नहीं है। देखिए, नागेंद्र कुशवाहा हूँ, शुभा जी हूँ, आपस में लड़ाई, आपस में लड़ रहे हैं, ये क्रेडिट की लड़ाई है, हम अच्छे हैं, वो नागेंद्र कुशवाहा जी समझ रहे हैं हम अच्छे हैं। देखिए 22 तारीख को, अब देखिए एक अंदाज है, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूं ना सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, क्या नियम कानून है। 22 तारीख को एक दिन पहले हो सकता है, और कि एक दिन पहले ही जो है लोगों ने डिसीजन ले लिया, सेबी ने और सहारन और सरकार ने मिलकर, ये को सभी को पता है, 3 तारीख सब लोग दुखी है। मैं भी सोच रहा था सहारा सेबी विवाद, देखिए सहारा सेबी विवाद से मतलब नहीं है, हमको है कि कम से कम मुद्दा सुलझे, और पहले तो हमको पैसा टेबल पर रखना है कि कितना पैसा है टोटल, और निवेशक के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। अभी तो हमको यही नहीं पता है पैसा कितना। जहां तक नागेंद्र कुशवाहा की बात है, देखिए आपस में लड़ने से नहीं होगा, कि अब वो उन्होंने गलत किया, एक अंदाज लगा रहे हैं, आप भी अंदाज लगा रहे हैं कि सारा हो सकता है मिले हुए, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि मिले हुए हैं? इस तरह तो हम भी कह सकते हैं, आप भी मिले हुए हैं सरकार के साथ, आप बार बार नोटिस कर रहे हैं, आपने कभी बात ये नहीं कहा कि वो उनके दीजिए, उनके अगेंस्ट देखिए, ऐसा तो हमने भी कहीं नहीं कहा। तो भाई उन्होंने क्या किया नहीं किया, सब लोग दुखी है। जब इसको लेकर क्या कहा, और संवैधानिक व्यापों की जानकारी ना हो तो कृपया टिप्पणी मत किया करिए रेटिंग इंडिया। नहीं, ऐसा जानकारी नहीं है तो कुछ ज्ञान बटोरिए, बोलने से कुछ नहीं होता, बटोरना नहीं है, देखिए ज्ञान बटोरना नहीं है। अच्छे अच्छे नहीं जानते, आप भी तो कितने साल से लड़ रहे हैं, आप भी तो कितने साल से लड़ रहे हैं, नहीं सरकार के आधिकारिक बयान है कि 10 करोड़ इन्वेस्टरों के 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोसाइटी में है, 86,000 करोड़ रुपए शुल्क ब्याज समेत, ये आधिकारिक बयान है, आपको कुछ नहीं मालूम, आप मत बोला करो। ठीक है, चलिए देखिए किसने दिया, किसने कहा की रिपोर्ट, मत बोला करो, किस बिजनेस चैनल की, नहीं किस बिजनेस चैनल की, नहीं ये किस बात करते हो, अरे कुछ, अरे भाई चिल्लाए नहीं, साबित हो जा रहा आप सही है, आधिकारिक रूप से चिल्लाए से ये साबित नहीं हो रहा है कि आप सही है। कहां की रिपोर्ट है, कौन से बिजनेस चैनल की रिपोर्ट है, कौन से बिजनेस रिपोर्ट की रिपोर्ट है, कहां की रिपोर्ट है, आपको तो ये भी नहीं मालूम था, आपको ये भी नहीं मालूम था कि डेट आगे बढ़ गई है। जब आप लाइव बैठे थे तो आपको विषय ही नहीं पता था कि डेट आगे बढ़ गई है, ये कैसे हो सकता है, आप तो घूम रहे थे, मैं भी आपको देख रहा था, लोगों ने मुझे वीडियो भेजा, आपको तो पता ही नहीं है कि डेट आगे, ये कैसे हो सकता है, आपको तो यही नहीं पता था कि 3-4-5 सितंबर को रात में ही पता चल गया था कि डेट आगे बढ़ गया, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ही शो करने लगा डायरी नंबर और सारा सेबी विवाद में, सबको पता हो गया, आपको तो फिल्म तक नहीं पता था कि क्या खेला हो गया 23 तारीख को। अच्छा, और आप मुझे बता रहे हैं, अभी हम लोग बात किए कर रहे थे इस मुद्दे पर कि ध्रुव जी एक बार आप आखिरी कमेंट कर दें तो हम क्लोज करेंगे। ये बात कर रहे थे कि अभी जो इलेक्शन में जो वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है उसमें निवेशकों की भी काफी असर पड़ा है, वो नहीं गए हैं वोट डालने के लिए, इस तरह की खबरें थी। तो कल जो वोटिंग है उसमें क्या अपेक्षा रख रहे हैं, जाना चाहिए सबको, मैं तो यही कहूंगा कि सारे लोगों को जाना चाहिए, ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसे सबको मिलके मनाना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग से दूर होना अच्छी बात नहीं है, वोट जरूर डालना चाहिए। दुब जी देखिए, ऐसा है कि वोट सभी लोग डालें, जिसको लगता है भाजपा में विश्वास है भाजपा में डालें, जिसको लगता है भाजपा में नहीं कोई दूसरी पार्टी करेगी, लेकिन
केवल उदासीन हो जाना और चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाना, उससे कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र एकमात्र, ये जो पावर हिंदुस्तान में जनता के पास केवल वोट डालने की है, वोट डालने के बाद में भी उन लोगों से सवाल पूछने की पावर तो जनता में नहीं है, लेकिन वोट डालने की पावर है। अपने अपने एरिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जिस रिप्रेजेंटेटिव पे आपको विश्वास है, उससे इस समय मौका है, आप उससे प्रेस करिए कि वो आपकी बात संसद में रखे और सरकार पे दबाव डालें और उसको आप वोट डालें। तो कृपया, जो है उत्तर प्रदेश में भी कल इलेक्शन है, नोएडा में भी कल इलेक्शन है, बिहार में भी कल इलेक्शन है, तो इस फेज में ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। मैं यही कहूंगा, चुनाव प्रक्रिया से दूर रहकर कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा और उससे आप उदासीन रह के अपना गुस्सा कुछ नहीं प्रकट कर पाएंगे। बोलिए संजय जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि वोटिंग जरूर करिए, वोट का अधिकार। संजय बोलिए, बस क्लोज करेंगे। संजय बोलिए। आपको जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। अभी एक वीडियो मैंने देखा है नागेंद्र कुशवाहा जी का, उसमें उन्होंने जो तर्क दिए हैं अपने विश्व भारती जनसेवा संस्थान को लेकर, रिट याचिका को लेकर, कि हमारे वकीलों के पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई कि आपकी डेट कैंसिल की जाती है, एक दिन पहले बढ़ाई जाती है। इसका विरोध जताने के लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान के वकील कल जो है कोर्ट में वहां के जो मजिस्ट्रेट लोग हैं उनसे मिलने के लिए अपना आवेदन उन्होंने दिया है। जो उनका तर्क है कि हमारे को सूचना आपने क्यों नहीं दी, हमको क्यों नहीं जानकारी दी गई कि इस केस की हम तारीख आगे बढ़ा रहे हैं या एडवांस में इसकी सुनवाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, हमारा एक आपसे निवेदन था कि आपने सबसे प्रश्न किए, एक हमारा आपसे प्रश्न है सर कि आपने इसी मंच पे इसी प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि मैं और हमारे जो सहयोगी वकील हैं वो सारे लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा रहे हैं, सारे लोग इंतजार में, आशुतोष जी आपकी जनहित याचिका के लिए काफी लंबा समय हो गया है। आपके जो वकील लोग थे उन्होंने भी कहा था कि हम जो है बिना उसके जनता के सहयोग के लिए एक रिट याचिका लगाएंगे, लेकिन वो आज दिनांक तक नहीं लगी है आशुतोष जी। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद आपकी जनहित याचिका से लोगों का भला हो जाए। आप मंच के माध्यम से तो आवाज पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में और सारे देश में, लेकिन शायद आपकी जनहित याचिका से भी जनता का भला हो जाए, तो शायद उस तरफ भी कुछ आप अपना ध्यान प्रकाश डालें तो काफी अच्छा होगा। हाँ, नहीं संजय जी, आपने सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दे दूं, मेरी ये जिम्मेदारी है आपको जवाब देना। ऐसा है कि जनहित याचिका के लिए हम लोग मूव जरूर करने वाले थे, 100% करने वाले थे, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, ये पोर्टल वाला मामला चल रहा था कि पैसा मिल रहा है, और अगर हम इस बीच में जनहित याचिका लगा देते तो फिर उस पे कुछ गड़बड़ी होने की संभावना थी, क्योंकि हम लोग अगर जनहित याचिका लगाएंगे तो फिर लड़ेंगे, ठीक से लड़ेंगे। तो अब देख रहे थे कि भाई सरकार की तरफ से ये हो रहा है कि हाँ पैसा दिया जा रहा है। अब इलेक्शन बीत गया, इलेक्शन भी चल रहा है, तो सरकार बहाना बना सकती थी कि अभी चुनाव का दौर आ गया है इसलिए हम कुछ परेशान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सारी कहानी चल रही थी। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि, और देखिए जनहित याचिका लगाने में भी बहुत खर्च होते हैं। एक बात समझिए, जो वकील हैं, मैं पत्रकार हूं, हमारे जो जज साहब हैं जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो अपने तरीके से कर रहे हैं प्रेसित, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। उस सबको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं कोशिश, और हम अपने वायदे से पीछे नहीं हट रहे, हम तो लगाएंगे ही, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है, तो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि वो उसका फाइनल निर्णय क्या होता है, लेट अस सी। ठीक है, चलिए जी सर, ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच आप लोग। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा वोटिंग करने जरूर जाइए कल जी, वोटिंग करने सब हो जा रहा है,
जिसको भी डालना हो डालिए, लेकिन वोट डालने जरूर चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए खतरे की घंटी है कि आप अगर जनता के मुद्दों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जनता उदासीन हो जाएगी और फिर संभव है कि वोट भी ना करे। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति न बने, इसके लिए जनता के मुद्दों के साथ जुड़ना शुरू कीजिए, तभी आपका भला होगा, तभी देश का भला होगा और जो लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, उनका भी कुछ भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।